हमारी मौजूदगी इस समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के श्रीखंड हॉस्टल में है। ये वही हॉस्टल है जहां से बीते रोज 28 छात्रों को अन्य हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। कारण यही है कि छात्रों ने शिकायत की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को कि विश्वविद्यालय की हॉस्टल की जो ये इमारत है, यहाँ पर 3 से 4 बार कंपन महसूस की गई है और कहीं ना कहीं इमारत को इससे खतरा हो सकता है। इसके साथ ही स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर आप दरारें भी देख पा रहे होंगे। ये भवनों में दरारों का सिलसिला जिस तरह से शिमला में इमारतों को बनाया गया है और कई साल पुरानी ये जो इमारतें हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर जो दरारें हैं वो अमूमन देखने को मिलती है। स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें हॉस्टल के आगे वाली तरफ को यानी मुख्य जो मार्ग है यहाँ पर उसकी तरफ को भी दरारें देखने को मिली है। इसके साथ ही बैक साइड में भी जो दरारें हैं वो कुछ तरह से यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये श्रीखंड हॉस्टल है और यहाँ से बच्चों को जो शिफ्ट किया गया है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉस्टल के लिए यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। 28 बच्चों की सूची बीते दिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जारी की थी और अब अगर बात की जाए तो इसे लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो चीफ वार्डन हैं डॉक्टर रोशन लाल जिंटा, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र यहां से शिफ्ट किया गया है और उसी के साथ ही जो पूरी सुरक्षा है वो बच्चों की यहां पर उसका ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ ही जो बच्चों को अन्य सेफ जो सुविधाएँ हैं वो भी यहां पर विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाएगी। आइए जानते हैं डॉक्टर रोशन लाल जिंटा ने इसे लेकर क्या कहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रीखंड के जो छात्रावास में छात्र रह रहे थे उन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले 10 दिन में 3 बार जो हॉस्टल कंपन की घटना उन्हें महसूस हुई है। तो उनकी बात को सीरियस लेते हुए और जो हमारे छात्र संगठन है SFI है ABVP के जो छात्र थे उन्होंने भी इसी इशू को मीन्स विश्वविद्यालय प्रशासन से उठा के यहाँ पर भी आए थे। तो उनकी बात में भी हमने गौर करके हमने प्रायोरिटी के बेसिस पर माननीय कुलपति महोदय से परमिशन लेके हॉस्टलों को श्रीखंड छात्रावास के छात्रों को वहाँ से शिफ्ट करके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉस्टल भेजा है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित महसूस कर पाए। तो उनकी सेफ्टी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और एकेडमिक माहौल के लिए प्रतिबद्ध हैं। हॉस्टल में शांति रहे मीन्स लॉ एंड ऑर्डर बना रहे उसके लिए हम पेपरलेस मुहिम की तरफ भी आगे बढ़े हैं। डिजिटल कार्ड हमने तैयार कर दिए हैं तो वो हमारा ERP का ही एक कॉम्पोनेंट है। हम डिजिटल कार्ड इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का लाखों 1 लाख रुपए कम से कम एक साल का बचेगा तो बच्चों को जितने बच्चों के साथ साथ जितना हॉस्टल का स्टाफ है वार्डन है चाहे कोई चीफ वार्डन है या हमारा जो चीफ वार्डन ऑफिस का स्टाफ है इन्हें भी हम डिजिटल कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हॉस्टल में किसी भी तरह की जो घटनाएं होती है वो ना घटे और जो बाहर के जो बाहरी छात्र होते हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सके।